आपका बेटा का आज इतने बड़े कल्चरल एक ओपनिंग हुआ है सैलून, इसके लिए क्या कहेंगे? मुझे बहुत बेहद खुशी है और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह इनको तरक्की दे, इनके रिलेशन बढ़े, लोग आए, इनका बिजनेस कारोबार चले, बस यही मेरी दुआ है। कल रात से बोल रहे हैं मेरा बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ऐसा क्या, ऐसा एक एक रिश्ता, इतना गहरा रिश्ता? रिश्ता जरूरी नहीं है कि पेट का ही हो, रिश्ता इंसानियत का भी होता है, अपनेपन का भी होता है, और ये भी मेरा बेटा है, मेरी औलाद है, तो रिश्ता तो रहेगा। बहुत मानता है आपको तो। जी जी नहीं, मैं भी तो बहुत मानता हूँ। आज यहाँ तक का सफर, उस्मान गनी समाज सेवक से लेके एक ऐसे अच्छा इंसान है जो पूरी कांदिवली में, पूरी मुंबई में राज करता है, आज उनका एक सैलून का हुआ है उद्घाटन, उसके लिए क्या कहेंगे सर आज के इस मौसम पर? सर मैं चाहता हूँ कि मुझे देख के आने वाली यूथ सबक सीखे, और वो सबक ये है कि हिम्मत ही है जो इंसान को जिता देती है, और जिसको हिम्मत होती है उसको रिश्ते पालने की हिम्मत होती है, और जिसको इस चीज़ की सलाहियत है वो हर रिश्ता निभा के लेके चलता है। मैं ये जानता हूँ कि अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी 15 साल की उम्र से जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, मेरे अभिषेक भाई हैं, मेरे डैडी हैं, मेरे मोहित भाई हैं, अमजद भाई हैं, बाकी यहाँ पे मेरे मोइन भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई जो यहाँ पे मेरे साथ में खड़े हैं। मुझे बेहद इस बात की खुशी है कि मैंने एक 20 रुपए से स्टार्ट सैलरी की थी, मैं दहसर नौकरी की नहीं जाता था, सिर्फ वहाँ बैठता था, बड़ा पाव खाता था, और आज मुझे उस बड़ा पाव ने मेरी ज़िंदगी में पाव बड़ा कर दिया, सब कुछ बड़ा कर दिया, और आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल वर्क करता हूँ, आज हज़ारों लोगों को बड़ा पाव नहीं, अच्छा खाना खिलाता हूँ, बड़ा पाव भी खिलाता हूँ, वक्त आने पे जो मेरे से मदद होती है मैं वो भी करता हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है, आदमी को हमेशा उस पर मेहनत करनी चाहिए। शुक्रिया। आप एक ऐसे एक्टर जो मशहूर डांसर, मशहूर एक्टर आपके बीच में खड़े हैं, आप उनके यहाँ मेकअप करते थे, लेकिन आज ओपनिंग में वो आपके पास आए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, वो एक्चुअली क्या था, भाई मुझे सिर्फ बुलाते थे, बोले मैरिटी वेल में खाना रखा है जा खा ले। वही बता रहा हूँ, भाई बोलते थे बेटा खाना लिया, तो मैं भाई का खाना खा लेते थे, बाद में मुझे भगाते थे, किधर, बोले जाके दही लेके आ मेरे लिए, कौन सा दही, क्योंकि जो भाई का वर्कआउट होता था और डाइट का डांस होता था, तो मैं उनका जो है ना डाइट का दही खा जाता था, तब मेरे को बहुत डांट पड़ती थी, मैं बोलता था भाई यार खाना है, भाई खाना तो खाना है, खाने को खाने के लिए खाना चाहिए ना, बात खत्म हो गई। बाकी अभिषेक भाई बताएंगे मेरे कारनामे। मैं हकीकत में ये है कि मैं माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाता हूँ, माइनॉरिटीज़ के लिए काम भी करता हूँ, माइनॉरिटीज़ में जितने भी नॉर्मल पीपल हैं जिनके पास वाकई में वर्कआउट के लिए, काम के लिए कोई वर्क नहीं है, मैं चाहता हूँ कि ये यूजी जो ब्रांड है लोगों के लिए वाकई में एक ट्रेनिंग सेंटर बने, और ट्रेनिंग सेंटर ऐसा सेंटर जिससे कि आदमी यहाँ से तैयार होकर निकले, मैक्सिमम मैक्सिमम कहीं भी जाए, तो आज का जो पीरियड है वो 2,000-2,500-3,000 सैलरी में नहीं चलता है, आज का जो जनरेशन और आज का जो पीरियड है, मैक्सिमम मुंबई महाराष्ट्र में रहना है तो आपकी 60,000 सैलरी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे यूजी ब्रांड से जो भी ट्रेनिंग होकर निकले या सीख के निकले या एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, उनकी सैलरी अच्छी हो और अच्छा काम करें, और इस समाज के जितने भी जुड़े लोग हैं मैं उन सबको धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे मुंबई महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष चुना, और कांदिवली का भी अध्यक्ष हूँ मैं, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मुझे कम उम्र में इतना उन्होंने अपना दर्जा दिया, मुझसे ज़्यादा उनके बेटे बड़े हैं मगर मुझे अपना अध्यक्ष चुना, मुझे इस बात पर वाकई फ़ख्र है। मैं चाहूँगा कि बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बताने जाऊँगा बहुत लंबी स्टोरी है। मैं ये कहूँगा कि आज की जो रात है लोग इबादत करें, ना कि रात को घूमें ना फिरें, आज की रात जो मैंने ओपनिंग रखी है सिर्फ इस खुशी की वजह से रखी है कि ये जो रात है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महत्वपूर्ण उम्मत के लिए सबसे रहमत वाली रात है, कि जो अपने दिल से गुनाहों की अपनी बख्शिश करा ले आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में अल्लाह की बारगाह में वो माफ़ कर दिए जाएंगे आपके गुनाह, और आपको एक जैसे दूध पीता बच्चा होता है नेक, आपको वैसा पाक साफ कर दिया जाएगा। बाखर्त यही है कि हकीकत अपना किरदार, अपना वक़ार, अपना मान सम्मान लोगों के बीच में सच्चा रखें। बस खुदा हाफिज़। हमारे देश यहाँ पे मशहूर एक्टर, मशहूर डांसर और सबके दिल के चहेते सर आप यहाँ पे आए हैं उस्मान गनी के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे सर? जैसा कि सभी लोग जानते हैं उस्मान, कई सालों से मेरा और उस्मान का जो रिश्ता है
मेरे लिए भाई की जैसा है, छोटा भाई है, लग नहीं रहा लेकिन है छोटा भाई मुझसे। और कई साल हो गए हैं हमें जब से मैंने ग्रो किया था, और मैं बड़े शोज, रियलिटी शोज और कॉमेडी सर्कस हो या कोई भी शो हो, उस सब में मेरे अच्छे लगने के पीछे उस्मान और उसके असिस्टेंट लोगों का ही हाथ होता था। मेरा कोई भी शो ऐसा नहीं रहा जिसमें उस्मान ना हो, हमेशा ही रहा है। और उसके हाथ की ये कला है उस जिसकी वजह से आज इतना ये ग्रो कर रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज उसकी ये ग्रोथ देख करके। मैं यही कहूँगा दिन दूनी रात चौगुनी ग्रोथ करे, तरक्की करे, क्योंकि अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, और ऐसे बंदे की तरक्की बनती है। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका जो अभी आने वाले प्रोजेक्ट है? अभी मेरा महाकाली एक शो चल रहा है कलर्स पे, आप लोग देखते होंगे, फिलहाल उसी में बिजी हूँ। अभिषेक अवस्थी एक बड़ा नाम है, अपने ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे आज के दिन, बड़ी रात के दिन? बड़ी रात के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग अपने घर पे अपने घर वालों के साथ इस समय को बिताएं, और देश में जो चल रहा है आईपीएल उसका लुत्फ उठाएं। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, बॉलीवुड के कॉमेडी के शहंशाह, बड़ी बड़ी फिल्म से लेके बड़े बड़े कॉमेडी शो से लेके आपने काम किए हैं, आज यहाँ पे उस्मान जी के देखिए, हमारे लिए उस्मान भाई जैसा अभिषेक भाई ने ऑलरेडी कह दिया, भाई की तरह हैं, उनके छोटे हैं मेरे बड़े की तरह हैं। और ये आपने खुद ही अपने सवाल में ये चीज़ बता दी कि हम सच में उस्मान भाई के लिए आए हैं यहाँ पे, केवल मैं ही नहीं, अभिषेक भाई ही नहीं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सब उस्मान भाई के लिए आए हैं। और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि जितना ये ऑलरेडी इतनी तरक्की कर रहे हैं समाज के लिए, ये तो एक छोटा सा एक नमूना है जो आप देख रहे हैं, ये यूजी सलून है, ये उसके अलावा उसके पीछे जो जितने लोगों की तरक्की में इनका हाथ रहता है, जितने लोग जितना ये समाज के लिए काम करते हैं, वो सब लोग हम देखते रहते हैं, सब वाकिफ़ हैं उस बात से। और बड़ी खुशखबरी है, मतलब ये एक अच्छा लगता है ये सुनकर, ये देखकर कि भाई तरक्की करते रहें और तमगा एक एक जुड़ता रहे भाई की तरक्की में। कौन सा प्रोजेक्ट सर आपका आने वाला प्रोजेक्ट? मेरी अभी एक फिल्म मैं कंप्लीट करके आया हूँ, मिलन टॉकी, तिग्मांशु धूलिया की एक फिल्म है, तो वो अभी जस्ट अभी ख़त्म हुई नहीं है, एक शेड्यूल बाकी है उसका। उसमें कॉमेडी क्या देखने मिलेगा? नहीं, वो फिल्म थोड़ी अलग, वो फिल्म में थोड़ा सब वो सब कुछ है, काफ़ी यारी की स्टाइल है, कॉमेडी का एक अलग ही तड़का है आपका, तो इसीलिए लोग सोचते हैं कॉमेडी आएंगे सर, कॉमेडी नहीं, कॉमेडी तो है ही एक जो जो जिस चीज़ में, जैसे कि सबों को मालूम उस्मान भाई का हाथ किस चीज़ में अच्छा है, उनकी ग्रोथ बालों में भी अच्छी है और वैसे भी अच्छी है, तो वो सारे सब चीज़ में ग्रोथ होनी चाहिए, तो केवल कॉमेडी नहीं, इस फिल्म में आपको कुछ और भी देखने को मिलेगा। सलाम भाई, यू जी एक अलग ही नाम है, अलग ही पहचान है, आज यू जी के आज सैलून के उद्घाटन में आए हैं, उसके लिए क्या कहेंगे उस्मान गनी? पहले तो ये है कि मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ उस्मान भाई को, और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो काम स्टार्ट किया है, उस्मान भाई से हमारे ताल्लुकात जुड़े हैं, और एक संस्था के हिसाब से भी ताल्लुकात हैं, दोस्ती के हिसाब से भी ताल्लुकात हैं, जो ये काम करते हैं यूथ के लिए, नई जनरेशन के लिए, माइनॉरिटी के लिए अच्छा काम करते हैं, और इसमें गरीब अमीर कोई फ़र्क नहीं होता, सभी के लिए एक समान काम करते हैं। मैं आगे भी इनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि अच्छे से अच्छा काम करे और अल्लाह पाक इनके कारोबार में तरक्की दे। थैंक यू। आप भी आएंगे यहाँ पे सेविंग करने के लिए या बाल का कुछ काम? उस्मान भाई अगर बैठे रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आज बड़ी रात है, बहुत बड़ा दिन है, और इस बड़ी रात के लिए आप कैसे, आपके ऑडियंस जो आपका जो एनजीओ चलाते हैं, तो आपके बहुत सारे ऑडियंस होंगे, आपके जो फैंस होंगे, उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? नहीं, बड़ी रात के लिए तो हम कहेंगे सब मस्जिद में जाए, इबादत करें, एक ना कि यहाँ रोडों पे घूमे, बाइक लेके जो स्टंट करते हैं उसमें हादसे होते हैं, उसमें हमारी पुलिस प्रशासन को भी तकलीफ है, और ये हम चाहते नहीं कि हमारे वजह से कोई भी गड़बड़ी हुए, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि आप मस्जिद में इबादत करें, ना कि बाहर घूमें। थैंक यू सर। मैडम, आज एक मॉडल एक्ट्रेस है, आज यहाँ पर आए हैं उस्मान गनी जी के feeling very happy that I'm here and he invited me on the opening of his parlor, his GK Hair Salon. It's really very awesome and its environment is really very good. I enjoyed the place, and for sure if I'll get the chance for the haircut or something, for sure I'll be here. Okay, agar aap Kalyan mein rehte ho to Kalyan se aap yahan pe aane ke liye aap chahoge, kyunki UG ek naya naam hai, naya brand hai, to ek bahut hi bada brand hai. Yes, really very good brand, so that's why I'm here for the opening also. So for sure in the future I'll be here. Okay, he's really very good person. Yeah, I have a upcoming
upcoming shoots for the brands. So I'm gonna join those companies for the brands, and for sure if and a person director is giving me the chance for the movie, for the South movies, so I have those work. Thank you. सबसे पहली बात तो उस्मान गनी जी एक नेक दिल इंसान है, वो जो भी कारोबार करेंगे अल्लाह उसमें बरकत देता है उनको। उनकी ज़बान में इंग्लिश में बोलते हैं ना हनी है, तो अल्लाह कभी उनको नाकामयाब नहीं करेगा। मेरी दिली तमन्ना है कि उस्मान भाई उनके बिजनेस में आसमान की बुलंदी छुए। सर आपका नाम क्या है और आज इतने बड़े सैलून का उद्घाटन इसमें आए हैं, उसके लिए क्या आप सुरक्षा देंगे? हम चाहते हैं गनी भाई एक नहीं चार दुकान इसे अच्छी बनाए और वो आगे तरक्की करते रहे बस। भैया अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पे आए हैं यूजी, एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है, उसके उद्घाटन में आए, उसके लिए क्या कहेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देखकर, और कुछ शुरुआत हो रहा है जो बहुत अच्छा लगेगा और आगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है ये शॉप का। बस दुआ हमारी यही है कि कामयाबी मिले भाई को हमारे, बस उस्मान भाई को इंशाल्लाह कामयाबी मिले ज़रूर। सब मेरे सरकार गरीब नवाज का करम हो जाए इन पर, सबों पर हो जाए, बस कुछ अच्छा चले कारोबार वगैरह। मेरा प्रोजेक्ट ये है यूके से है कुछ, और अभी डिटेल्स तो नहीं बता सकता उसका कुछ, क्योंकि अभी स्टार्ट किया हूँ मैं, फिर आगे बताएंगे इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। थैंक यू सर। भैया अस्सलाम वालेकुम, आज उस्मान गनी एक बहुत बड़े समस्या में हो, बहुत अच्छे इंसान है और सबको हेल्प करता है, गरीबों का मसीहा बोलते हैं उनको, तो आज उनका सैलून खुला है जिसका नाम है यूजी, उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? पहली बात मैं उस्मान भाई को इस बड़ी रात के तरफ से और इस सैलून के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो इन्होंने इस रात में, इस मुबारक रात में जो इन्होंने इस ओपनिंग की है सैलून की, अल्लाह इनको और खूब खूब तरक्की अता फरमाए। और ये जो है कहीं ऐसे ग्रुपों के जो हमदर्द है जिनके लिए रात दिन भाई नहीं देखते हुए हर गरीबों की मदद करते हैं, और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे उस्मान भाई को हर बुराई नज़र से बचाए और उन्हें खूब खूब तरक्की अता फरमाए। ओके, आप जब सेविंग करते हो, आप जब बाल काटते हो, तो आपको ऐसा होता है कि मैं भी यहाँ पे आऊँ यूजी में बाल काटने के लिए, सेविंग करने के लिए? नहीं नहीं, यूजी में आने के लिए, यूजी तो अपना ही है, ये तो घर है, हम जब चाहे जब है तो है, लेकिन आपको आना, हाँ ऐसा तो लगता है कि मेरे को यूजी में जाके एक बार बाल काटना चाहिए, जो ये बुढ़ापा आ रहा है इसको यहाँ पे ब्लैक करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो उस्मान भाई ने आज जो बहुत ही अच्छे दिन पे ये ओपनिंग की है, तो इसके लिए मैं रात भर आज दुआ करूँगा कि उस्मान भाई की ये जो शॉप है इससे बड़ी बड़ी कई हज़ारों शॉपें पूरे बॉम्बे में या बॉम्बे के बाहर हो, ये मैं दुआ करता हूँ। पास अम्बूर है, मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, और ये उस्मान भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त है। हाँ मैं शिवसेनेचा उप ग्राहक संरक्षण का शाखा प्रमुख आहे, आणि आमचे यांचे संबंध वारंवार येतात। हा माणूस म्हणजे एकदम ॲक्टिव आहे, धडाडीचं काम करतो, आणि तो कुठल्याही याच्यामध्ये मागे जात नाही, आणि सलून टाकलं आहे तर तो असे टाकतो की ॲट्रॅक्शन, पब्लिक आलेच पाहिजे त्याच्याकडे, आणि या पद्धतीने आणि त्याचा स्वभाव चांगला आहे, लोकांना कोऑपरेशन करतो, आणि सगळं म्हणजे कामामध्ये पण चांगला आहे तो, असं नाही की नुसतं कोऑपरेशन करतो काम नाही करत, काम पण चांगलं करतो, अशाच पद्धतीनं त्याची भरभराटी हो, त्याचे प्रगती हो, हे आम्ही ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो, आणि उस्मान भाई हा भाईच राहायला पाहिजे हे आमची इच्छा आहे। यूजी का सैलून का उद्घाटन में आप आए, उसके लिए क्या सुझाव होगा? पानी देना, पानी दो। First of all, I would like Mr. Usman Gani to give him a big congratulations, because I know him from 8 to 10 years when he had his parlor, and he used to do very good haircut, color, everything, and he was a very nice person. Again, same thing, I have come to know that he's opened a parlor. I'm very happy, because I think in this area there's not a parlor like this which does a very good job. Usman Gani,
नेता मैन है, लेकिन उसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा वो समस्यावर है, वेरी हेल्पफुल पर्सन, बिकॉज जहाँ तक मेरा भी एक प्रॉब्लम था अभी ही हैज सॉल्व एंड ही हैज गिवन टू मी, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम. गॉड शुड ऑलवेज ब्लेस हिम विथ हिज ब्लेसिंग्स. आई होप ही शुड बी वेरी सक्सेसफुल मैन इन बोथ बिजनेस एज वेल एज आउटसाइड व्हेन ही इज डूइंग हिज ग्रेट जॉब टू हेल्प पीपल अराउंड. उस्मान जी बॉम्बे के बाद अभी वो और एक ब्रांच खोलने जा रहे हैं. ओके. वो अभी ओपनिंग मतलब करने वाले हैं 3-4 महीने के बाद. ओके. तो उसके लिए क्या कहेंगे, उसके लिए पहले से ही शुभेच्छा कर देंगे. कहाँ पर ओपन कर रहे हैं? ये ओपनिंग कर रहे हैं बांद्रा में. अच्छा, ओके. हाँ, ये कांदीवली में आज खुला है, 3 महीने के बाद बांद्रा में हो रहा है, उसके लिए आई वुड गिव हिम अ वेरी वार्म दिस दैट ही शुड डू वेल देयर आल्सो. That he's been doing well here in Kandivali. There also he should do their very nice, great job. He should have good customers because Bandra is a very high-fi place where he should get a lot of crowd from, I think from Bollywood also. And wish him all the best. Sir, ठंडा पानी. 313 ऐसा एक NGO है पूरी महाराष्ट्र में का मचा हुआ है. उसका अध्यक्ष उसके अध्यक्ष अली भाई जो हमारे बीच है, जो गनी भाई उस्मान गनी उनका बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं भाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि भाई ने आज इतना अच्छा सैलून ओपन किया. और ये सैलून तो बस एक बहाना है, बाकी भाई सैलून के ज़रिए से सोशल वर्क करते हैं, लोगों की मदद करते हैं कि एक अपना एक जगह होगी तो लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम बताते हैं. तो दो काम इस जरिए से भाई का हो रहा है. आली और गनी ये दोनों एक जुगलबंदी है और जहाँ जाते हैं वो दोनों वहीं मिलते हैं और बहुत एक अच्छा जिगरा एक फ्रेंड है. तो ये कब तक आगे कब तक चलेगा ये जिगरा? मरते दम तक. मरते दम तक हम साथ में रहेंगे. और अली और गनी ये कोई नई बात नहीं है, हमारे खलीफा भी थे हजरत अली और हजरत उस्मान गनी. तो खैर हम तो उन जैसे नहीं है, बट अल्लाह ने इतनी थोड़ी सी वो रखी हम दोनों सेम क्वालिटी. आज बड़ी रात है, तो बड़ी रात के लिए जो आपका 313 इंच. उस्मान गनी आप एक बहुत बड़े मेकअप मैन हैं, बहुत बड़े हेयर स्टाइल से हैं, लेकिन आप ऐसा कौन सा आप नया स्टाइल देंगे कांदीवली महावीनगर में जो आपके पास पब्लिक खिंच खिंच के आएंगे, ऐसा क्या टिप दे रहा है? कांदीवली और महावीनगर की बात नहीं है, ऑल ओवर महाराष्ट्र की बात करता हूँ कि जो क्रिएटिविटी यूजी सैलून से मिली है लोगों को वो लोग भूल नहीं पा रहे. अब ये वापस कम बैक किया है और ये कम बैक अब रुकने वाला नहीं है. मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, सभी जगह पे देखने मिलेगा. और मेरा ये मानना है कि काटना ज़रूरी नहीं, कटवाना ज़रूरी है. तो यहाँ की जो आवाम है, जो लोग हैं जो इस काम से रिलेटेड रखते हैं, जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग मेरी एकेडमी से ट्रेन हों और सब जगह काम करें और उन्नति देश के लिए उन्नति का काम करें, अपने लिए काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें, सही इनकम करें, लीगल में रहें, अनऑथराइज कोई काम न करें. तो जो आज बेकारी है अपने देश के अंदर, मैं चाहता हूँ फील्ड कोई भी हो, सच्ची इनकम हो और अच्छी इनकम हो, बस मैं यही बोलना चाहूँगा. उस्मान गनी इतने बड़े बड़े स्टारों का मेकअप किया है, लेकिन आपका कोई टीम, आपका कोई चेला ऐसा है जो आज इंडस्ट्री में वो मेकअप कर रहे हैं? मेरे हिसाब से आदि मुंबई में मेरे साथ के और मेरे हाथ के नीचे के लड़के काम कर रहे हैं. और आई सो थिंक कि जो बड़े बड़े नाम है जैसे एंडिच ब्रांड, उसके यहाँ पे आए हैं रमेश जी. रमेश जी को बुलाना, धार से रमेश करके बुलाना, रमेश और जाकिर, ये काफ़ी बड़े नामचीन हैं. और समीर करके हैं मेरे ही हाथ के, रमेश अपना रहमान करके हैं, समीर करके हैं, हर के मतलब बड़े बड़े पार्लर्स हैं, बड़े बड़ी जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं. जैसे हमारे रमेश भाई हैं एंडिच के, बहुत बड़े सीनियर स्टाइलिस्ट हैं. तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये सब मुझसे जुड़े हैं और मुझसे मोहब्बत भी रखते हैं. और आज मुझे देखने मिला है कि कम से कम आज 50 सैलून की छुट्टी होगी, उनके मैन मैन हेयर स्टाइलिस्ट और मैन मैन ओनर सब छुट्टी लेके बैठे हैं मेरी वजह से. तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी मुझसे वही मोहब्बत रखते हैं जो पहले थी. अच्छा, मुझे एक पूछना है, आपके पास जो आज आए लोग, तमाम आपका दोस्त, तमाम आपका फ्रेंड, उसके लिए आप क्या बोलेंगे जो आपके टाइम निकल के?
मैं इस बात का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे कम से कम 12 संस्था आई हैं, 313 के पर्सेंटेज हैं, 95 के रियाज भाई पर्सेंटेज हैं, वॉइस ऑफ मालूनी के हमारे मुन्ना भाई पर्सेंटेज हैं, शरीफ भाई 96 के पर्सेंटेज हैं। तो यहाँ पे और भी ऐसी संस्थाएँ हैं जो यहाँ की हैं, मित्र मंडल है, महावीर नगर मित्र मंडल है, तो यहाँ पे जितने भी हैं योद्धा फाउंडेशन के लोग हैं, तो यहाँ पे जितने भी टोटल संस्था के लोग आए हैं ये सिर्फ मेरी मोहब्बत में आए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कारोबार कुछ भी हो, रिश्ते कम नहीं होने चाहिए, कारोबार की वजह से रिश्ते बढ़ने चाहिए। तो मुझे वो दिख रहा है कि रिश्ते भी बढ़ रहे हैं और लोग भी जुड़ रहे हैं। तो यही धंधा है और यही बंदे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, बस लोगों को रिश्ते संभालने आने चाहिए। थैंक यू सो मच। बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े नाम कमाते हैं, बड़े बड़े लोगों को आप हेल्प करते हैं, जो गरीब लोग आपके पास आते हैं आप हेल्प करते हैं, आपका नाम मालवनी के अंदर बहुत अच्छा नाम है, ऐसे एक नामचीन इंसान हमारे बीच है और आज यूजी का सैलून का उद्घाटन है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? मैं तो उस्मान भाई का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को इस चीज़ के लिए इन्वाइट किया, हम लोगों को इस काबिल समझा। और उस्मान भाई एक बहुत ही अच्छी शख्सियत है, जो पूरे महाराष्ट्र में उनको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, उनको पूछते हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि यूजी ग्रुप जो ये सैलून अभी उद्घाटन किया है उस्मान भाई ने, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसको और तरक्की हो और बड़ा, उस्मान भाई इसको और आगे तक के लेकर जाए और बहुत अच्छा बिजनेस उनका हो, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। मालवनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपने तमाम काम किए हैं और मालवनी को अच्छा रखने के लिए आपने एक मुहिम भी छेड़ा है, तो आज इतने बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन आज उस्मान जी के पास सैलून का उद्घाटन है, उसमें आए, उसके लिए क्या कहना? मेरा नाम महबूब खान है, मैं वॉइस ऑफ मालवनी फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। उस्मान गनी जो है वो हमारे एडवाइज़र है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आज मैंने सैलून का ओपनिंग किया, तो हमें भी सारे ग्रुप को बुलाया है, तो हमारे उनको हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जब संस्था बनी तो उन्होंने हमें पूरा पूरा भरपूर सपोर्ट किया, उनके योगदान से हमने ऑफिस वगैरह खोला, बहुत सारे काम किए। तो आज जब उनका सैलून वापस से दोबारा रीओपन हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उनसे कहेंगे कि आपको जब भी अपना हेयर कटिंग वगैरह करवाना है तो यूजी के सैलून में ही जाएं आप। मतलब आपने सबको बोला, लेकिन आपको ऐसा नहीं होता जो मैं जाके मैं यूजी में करूं सैलून, मतलब बाल कटिंग करूं? नहीं, जरूर जरूर, वो तो हमारे लिए तो हमारा ही सैलून है, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है, जब चाहिए जब आए करवाए, हमारे लिए तो पैसा भी नहीं है भाई, हमारे तो एडवाइजर है वो। और आए दिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान का बातें को फैलाया जा रहा है, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ को फैलाया जा रहा है, ये ऐसा क्या हो गया हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुसलमान के अंदर दरार पैदा कर रहा है, ऐसा कौन लोग है, ऐसा क्यों कर रहा है? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि ये सारे के सारे ना पॉलिटिकल लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाना चाहते हैं और देश में झगड़े लगवा कर अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। तो मैं सारे देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग तमाम मिलजुल के भाईचारगी के साथ में रहें और ये पॉलिटिकल लोगों की संगत में ना पड़ते हुए अपने काम को खुद अंजाम दें और एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुक बनाए रखें। उनको क्या बोलेंगे जो सोशल मीडिया में झूठ मूठ का हिंदू मुसलमान का फोटो को एडिटिंग करके उन लोग वो डालते हैं, देखो मैं उनसे कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, उनके खिलाफ मैं बोलूँगा नहीं, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँ कि वो भी हमारी तरह हिंदुस्तानी है, तो उनको चाहिए कि हमें आपस में लड़ाने से अच्छा हमको मिलाने की कोशिश करें और देश को बढ़ाने की कोशिश करें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ या जो भी है उनसे अपना रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोगों को लड़ाने के बजाय मिलाने की कोशिश करें। बड़ी रात के लिए क्या कहेंगे? बड़ी रात के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो है हमारी शबे बारात है, तो इसके अंदर लोगों को इबादत करनी चाहिए, मगर मैं कुछ ख़ास नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो ना कि बाइक राइडिंग करें, ना कि रोड पे खड़े रहे, बल्कि वो अपनी मस्जिदों में रहे, तकरीर के प्रोग्राम में शामिल होए, कब्रिस्तान जाए और अपने मरहूमिन के लिए दुआ करें। एक एक बाइक पे चार चार लोग, पाँच पाँच लोग बैठ के घूमते हैं, आज की रात बाइक राइडिंग करते हैं, मतलब
चिल्लाते हैं, तो ये सही बात है क्या? ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा करना हमारे मजहब में कहीं भी लिखा नहीं है, मगर कुछ लोग नादानी की हालत में ये कर बैठते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरीके की कोई भी हरकत ना करे जिससे हमारे हिंदुस्तान का और हमारी कौम का नाम खराब हो। क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे सलून का ओपनिंग हुआ है और काफी खूबसूरत सलून देखने को हमें नजर आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले उस्मान जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। उस्मान गनी जो है ना, एक बहुत बड़ा नाम है, यूजी एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और अल्लाह ने ऐसा बहुत कम लोगों को ऐसा यहाँ पे लेके आते हैं इस दुनिया में, तो अल्लाह की बहुत बड़े फरिश्ता है वो, क्योंकि वो गरीबों को हेल्प करता है। जितने भी जैसा मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, लेकिन मुझ जैसा गरीब को भी वो हेल्प किया है, तो सबसे पहले उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और बहुत बड़ी बात है, ऑल द बेस्ट, आज एक मतलब बॉम्बे के टॉप, ऐसा बॉम्बे तो बहुत सारे हेयर सैलून है, लेकिन बॉम्बे में एक ऐसा टॉप ऐसा एक जगह है जहाँ पे नाम है कांदीवली वेस्ट महावीनगर, ऐसे जगह पे इतनी खूबसूरत सैलून देखिए, आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत सैलून ने आज बनाया, आज उद्घाटन हुआ है। आज उद्घाटन में बहुत बड़े बड़े एनजीओ के अध्यक्ष, बड़े मेरे भाईजान यहाँ पे आए, मेरे भाई आए हैं जो मेरे को मैं एक ज़माने में बहुत साथ दिया था, मैं फुल बेचता था फुल मैं फुटपाथ के ऊपर, मुझे बहुत साथ दिया है, साथ साथ में उस्मान जी और मेरे यहाँ पे एक्ट्रेस आई है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ उस्मान जी, आप सबसे अलग हो और इंशाल्लाह सबसे अलग रहना, और जैसा आप करते हो मुझे मोहब्बत, ऐसे ही मुझे मोहब्बत करना, क्योंकि हमारी जो एक दोस्ती है ना, ये अभी मतलब ख़त्म नहीं होगा ये मरते दम तक, तो दोस्ती इसलिए गाना मैं सुनाता हूँ, जैसे उस्मान जी को मैं गाना सुनाता हूँ हर वक्त, गाने का बोल है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, हाँ ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, तू जिंदगी कसम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, जैसे सारी खुशी तेरे दम से है, ऐसे दम से मुझे मोहब्बत करना। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू उजी एंड थैंक यू उस्मान गनी। जैसा कि आप बहुत ज्यादा बिजी एक्टर हैं, हाँ। और जैसा कि पता चला था कि आज आपके कई शोज भी हैं, हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पर अवेलेबल हो, ये कैसे? ये भाई ने मुझे कल रात को बोला, जो कल्याण जी सब छोड़ देना, आज के दिन मेरे लिए, तो मैंने जैसे उनका मतलब सामने आया हूँ, कभी मैंने उनकी एरिया मतलब कांदीवली में, तो मैं एक्टिंग भूल गया, तो मैं आज एक्टर नहीं हूँ, आज मैं सिर्फ मेरे भाई के लिए आया हूँ, दोस्ती में मैं निभा रहा हूँ। आज मेरा शो था कांदीवली में, गोरेगांव ईस्ट में, अभिजीत दादा का, मैं जा नहीं पाया, वो मुझे बड़ा फील कर रहा है, लेकिन मेरे लिए एक ही आदमी है, वो है उस्मान गनी। और उस्मान गनी, अरे उस्मान गनी भाई, आपको नमस्कार, अदा सस्योगल भाई, आप जो है ना, आप दिलों के रिश्ते के भाई बहुत बड़े आदमी हो भाई, भाई आपके लिए आप जो बुलाओगे, जब बुलाओगे भाई मैं आ जाएंगे भाई, भाई आपको, और आज बड़ी रात है, तो बड़ी रात के लिए सबको ऑल द बेस्ट, रात भर जगना भाई, सुना मत। चलते चलते आखिरी सवाल, आप एक एक्टर हो और एक एक्टर को बेहद खूबसूरत और स्मार्ट दिखना पड़ता है, तो आप खुद को खूबसूरत बनाने के लिए किस हद तक इस सलून में आओगे? अरे भाई जब रोज आ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, यहाँ तो मेरा ही घर है, ये मेरा ही सलून है, तो जब चाहे मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं उस्मान जी को मैं सलून कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक ऐसे इंसान है समाज सेवक के, आज आपको पता नहीं है, हर महीने जब होता है एक तारीख, तो कम से कम 4 से 5 घरों का वो रसम लाके वो देता है, और बहुत सारे बच्चों का स्कूल का फीस भरता है, ये किसी को नहीं पता, ऐसे मुझे पता है, तो बच्चे का स्कूल का फीस भरना, घर चलाना, तो मुझे पता है, मुझे खुद को पता है, क्योंकि हम दोनों मिलके वो गए थे। तो ऐसे एक शख्स जो इतने बड़े बड़े काम करते हैं, साथ साथ में समाज सेवक है, साथ साथ में लोगों की सेवा करते हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ, बस अल्लाह करे जो ऐसा ही रहे जिंदगी भर, वो ऐसा ही रहे। लव यू उस्मान गनी एंड लव यू यूजी सैलून कांदीवली वेस्ट महावीर नगर, थैंक यू। हेलो उस्मान भाई, नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, अरे रोल है जाने हमारे समाज सेवक कांदीवली के बहुत एक अच्छे इंसान और उस्मान जी का जिगरी दोस्त मेरे भाई, आज उस्मान जी के यूजी के सैलून के उद्घाटन में आए, उसके लिए क्या सोच देंगे? हम उस्मान भाई को हमारे यही बोलेंगे, इनका बस जैसे नाम चल रहा है वैसे इनका बिजनेस आगे बढ़े, अब क्या बोलेंगे उस्मान भाई के लिए? आप आए
दिन अच्छा काम करते हो और लोगों के बीच रहते हो और आए दिन आपके नया नया आप काम करते हो, उसके लिए क्या कहेंगे, मतलब ऐसा कर कैसे कर पाते हो? बस लोगों की सेवा करने में और आप लोग का प्यार बस उस्मान भाई के साथ। मैं सुना फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे हो आप। हाँ चालू है सब कुछ चालू है, उस्मान भाई बताएंगे। ओके थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या है और क्या बोलेंगे आज इतने खूबसूरत टाइम पे आए हैं? सबसे पहले तो मैं सबको गुड इवनिंग बोलना चाहूँगा, जितने सारे हमारे यहाँ पे भाई है बहन है उन सारे को गुड इवनिंग बोलना चाहूँगा। यूजी की तरफ से आज उनका यहाँ पे इनॉग्रेशन है, उनका जो सैलून उन्होंने ओपनिंग कर रहे हैं आज, उस सैलून के बारे में हमें कुछ बोलना चाहिए, हकीकत में बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है। डेढ़ महीना उन्होंने कंटिन्यू इस दुकान को इस शॉप को बनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और खूबसूरत उन्होंने बहुत बढ़िया बनाए हैं, हम भी उनके साथ थे और साथ ही साथ में जितने भी काम हुए उनके साथ में भागीदार रह के थोड़ा बहुत हमने भी उनके साथ दिए। तो हम कहना चाहते हैं कि यूजी ग्रुप की तरफ से उस्मान गणेश भाई जो है अपना सैलून के डायरेक्टर हैं जो चला रहे इसको, उनको बहुत बहुत बधाई हो। इतनी खूबसूरत एक दुकान एक शॉप ये महावीर नगर में सब इंसान के लिए उन्होंने एक गिफ्ट हिसाब से दिया है, तो हम सारे उनके लिए एक बड़े तालियां करें और उनके शुभकामनाएं करें कि वो आगे और बड़े बने। मेरा नाम रहमान है। उनका ओपनिंग हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सैलून के बारे में? सैलून तो माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सैलून है और उस मामले को तो लोग पहचानते ही है सर। काफ़ी अच्छा, काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं वो यहाँ पर। और किस तरीके से जुड़े हैं उस्मान गनी सर के साथ? सॉरी, किस तरीके से जुड़े हैं उस्मान सर के साथ? उस्मान भाई हमारे बड़े भाई के जैसे हैं और बड़े भाई ही हैं वो, और आज इतना अच्छा सैलून मनाया उन्होंने तो अच्छा लग रहा है हम लोग को भी बहुत, इतना अच्छा सैलून मनाया, हम लोग को बहुत गर्व है उनके ऊपर, इतना कुछ किया है उन्होंने। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं यूजी सैलून के बारे में बोलना चाहता हूँ। यूजी सैलून जो है एक यूनिक नेम एंड एक ब्रांड है और वो ब्रांड को और भी ऊपर लेके जाना है उस्मान भाई उनकी टीम को, और उनको मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ इसके लिए कि वो इतना बेटर और बहुत अच्छा क्लाइंट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए और कम्फर्ट बना के इतना अच्छा सैलून और अच्छा इंटीरियर बनाया है, सो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ उनके लिए। मैं उस्मान भाई, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, सो सैलून इंडस्ट्री से है तो एक दूसरे को ऑफकोर्स जानते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सब जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से। तो आप भी एक स्टाइलिश हैं और आपको कैसा लग रहा है ये सैलून, कितना खूबसूरत? अगर स्टाइलिश व्यू से अगर देखेंगे तो कभी भी सैलून जो है ना, सैलून का जो एटमोसफियर होता है और सैलून का जो इंटीरियर होता है वो पीसफुल होना चाहिए और वो एक ब्रांड शो होना चाहिए। जो सब चीज़ें यूजी सैलून में आपको मिलेगा और आप जो देख रहे हैं उसको बहुत बेटर और अच्छे से यहाँ का जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, उस चीज़ों को और बेटर करेगा। मेरा नाम जाकिर सलमानी है। म्यूजिक सैलून एक बहुत अच्छा ब्रांड है और ये महावीर नगर में काफ़ी टाइम से है, जो उस्मान भाई ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया ये सैलून बनाने के लिए और हम सब उनको सपोर्ट करते हैं एज अ स्टाइलिस्ट, जो यहाँ का स्टाफ है और ये सब है, सो हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वो और आगे बढ़े और अच्छे से काम करें और जितना भी हो सके एक क्लाइंट को कम्फर्टेबल एंड नीटनेस सब कुछ उनका। उस्मान सर एक काफ़ी अच्छे इंसान हैं जो सोशल सर्विस पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं एंड बहुत अच्छे इंसान भी हैं और जो भी है लाइक यूजी का ओके हाय सर, मेरा नाम शाहरुख अलवी है। यूजी सैलून में मैं 3 to 4 hours से सैलून में काम करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे काम करना और यहाँ का स्टाफ एज ए स्टाफ देखो बहुत अच्छा है और सैलून के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है और जो यस खूबसूरत है इस सबसे ज़्यादा बेटर सैलून। मुझे सैलून में गए जाते हैं, बहुत से क्लाइंट जाते आते हैं, सैलून को देखते हैं, सैलून को स्टाफ को देखते हैं, मेरे हिसाब से अभी क्लाइंट इधर आएंगे तो ज़्यादा कम्फर्ट होएंगे यहाँ का ये कहते और उस्मान सर के बारे में जितना कम किए जाए उतना ही बेटर, वो बहुत एक यूनिक बंदे हैं। थैंक यू।
सर। सर मेरा नाम जेके हुसैन है, मैं इधर यूजी ब्रांड में आया हूँ। इसमें काफ़ी मेहनत करी है गनी भाई ने, और काफ़ी टाइम से लगभग समझ रहे हो डेढ़ महीने से काफ़ी लोगों ने मेहनत किया है। डेढ़ महीने से इसका इंटीरियर का काम चालू था, और रात भी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। और गनी भाई ने बहुत बहुत बोले तो बहुत ताकत लगाई है इसको बनाने के लिए। उनका खुद का ही प्लान है कि ऐसा एक मेरा सैलून हो, और काफ़ी टाइम से उनका फील्ड तो कुछ अलग है, पर उनका एक हौसला है कि मेरे को एक मेरा खुद का यूजी एक ब्रांड हो, और काफ़ी लोग को सपोर्ट हो, उनका स्टाफ वगैरह लोग भी सबको रोजी रोटी मिले, और उनका जो साइड बिजनेस है वो तो कुछ अलग है। पर यही कहना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे और 10 सैलून उनके बोरोवली में महावीर नगर में इंशाल्लाह हो जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे यूजी सैलून का ओपनिंग हुआ है, कितनी खुशी हो रही है, और ये सैलून कितना अच्छा लग रहा है? ये सैलून तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारा भाई जो है आज एक सैलून खोला है, जो कल मैं सोच रहा हूँ कि दो चार सैलून और अलग 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 एरिए में खोले जो है, जिससे हमारी खुशी और दुगनी बढ़ी, और हमारे भाई आगे बढ़ते रहें और इनकी खुशियाँ देख के हम भी खुश होते रहें। सर किस तरीके से जो है उस्मान सर? तो हमारे छोटे भाई हैं, अभी भाई बोल दिए तो अब इसके आगे कुछ बोल नहीं सकते जो। बहुत ज़्यादा जो है, अभी जितना कल मैं देखता हूँ एक दो दिन में आता हूँ जो है अपने भाई के सैलून में जो है, मैं तो चाहता हूँ कि आगे बढ़ें और हम लोग भी इनके साथ आगे बढ़ते रहें जो है, साथ देते रहें। हमारी शुभकामनाएं हैं इनका, एक नहीं 50 सैलून खुले पूरे मुंबई में जगह जगह पे जो है। आज यूजी एक खुला है कांदीवली में, और हर स्टेशन के हर सामने एक जो एक सैलून खुले, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ में अपने पूर्ण विराम देना चाहता हूँ अपने सामने। नाम दरअसल मेरा नाम प्रवीण गुंदेचा है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है सैलून को, बहुत ही वेल डिज़ाइंड है, काफ़ी वेल डेकोरेटेड। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एंटर करते ही आपको एक बहुत ही लाइवली और बहुत ही अच्छे वाइब्रेशंस मिलेंगे, काफ़ी वाइब्रेंस है यहाँ पे। और बहुत खुशी होती है जब हमारे साथ जिनके साथ हम जिनके सामने बड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है, हमारे साथ दिया है, उनका इतना बड़ा सैलून खुले तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी एक एक्टर हैं जी, तो एक एक्टर को खूबसूरत दिखना, स्मार्ट दिखना सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होती है, तो इस सैलून में क्या आप भी आना पसंद करेंगे, आना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है उसके? मैं तो सालों से उस्मान गनी सैलून जो है, यूजी सैलून जो है, काफ़ी सालों से मैं इनका एक फिक्स्ड क्लाइंट रहा हूँ। क्लाइंट तो नहीं कहूँगा, बड़े भाई है वो, उन्होंने हमेशा मुझे खूबसूरती दी है। जैसा अगर आप मुझे देख रहे हो अभी, मेरी हर एक हेयर स्टाइल हर एक तरीके से उन्होंने मुझे हमेशा वेल मेंटेन रखा है, वेल टू डू रखा है, प्रेजेंटेबल रखा है। सो जानना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में? काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। राइट नाउ आई एम डूइंग अ वेब सीरीज, इट्स अ ट्रैवल बेस्ड लव स्टोरी विच यू कैन श्योरली सी ऑन गर्विक्स, इट्स अ यूट्यूब चैनल। सो इट्स अ 400 एपिसोडिक वेब सीरीज विच वी आर कवरिंग पैन इंडिया, हम पूरे हिंदुस्तान को दिखाएंगे इस वेब सीरीज के थ्रू, और उसमें एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी भी आपको देखने मिलेगी। चलते चलते आखिरी सवाल, ये अब क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सबको? यही शुभकामना है कि बस इसी तरह वो बॉलीवुड पर भी राज करे, और इसी तरह उनके सैलून खुलते जाए, और कभी कस्टमर्स कभी कमी ना हो, ऐसा हो कि लोगों की लाइन लगी रहे यहाँ पे, बस यही शुभकामना है। थैंक यू सर। मेरा नाम अरमान है, मैं उस्मान भाई का छोटा भाई हूँ, और मेरे को बहुत खुशी है मेरे भाई ने इतना अच्छा पार्लर बनाया, और मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ में हूँ। मैंने उनके पहले भी पार्लर देख चुका हूँ, माशाल्लाह बहुत मेहनत करके उन्होंने पार्लर बनाया, ये बहुत अच्छा बहुत शानदार पार्लर बनाया है, और मैं बहुत दुआएं देना चाहता हूं उनको, इनका पार्लर कामयाब रहे। मैं उनके साथ बचपन से जुड़ा हूं, भाई हूं उनको छोटा मैं। यस, और मैं उनके साथ में काम, इन्होंने मेरे को काम सिखाया है, इन्होंने मेरे को छोटे से लेके बड़े लेवल तक पहुंचाया है। यस, बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत सैलूनों में गया हूं, मैं बहुत सैलून देख चुका हूं, मगर मेरे को सबसे ज़्यादा सैलून ये अच्छा लगा है। सर मैं बहुत बताई देता हूँ कि मैं बस मेहनत करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या लोग बस इसको अच्छे से बना के रखें, उसको और ऊपर तक लेके जाएं, और मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह आज उस्मान भाई ने एक खोला है, कल इंशाल्लाह दो चार और भी आएंगे हमारे। खुशी तो माशाल्लाह बहुत हो रही है, क्योंकि भाई का सैलून है इसके लिए, और सर हमारे बड़े भाई हैं और हम उनको काफ़ी टाइम से जानते हैं, और उनके साथ में काम भी कर चुके हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है उनके साथ में काम करके, और मतलब अच्छे करने की कोशिश ही करते हैं हमेशा, तो ऊपर वाला उनके साथ में भी अच्छे ही करते हैं माशाल्लाह जी।
सैलून तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनवाया उस्मान भाई ने, ऊपर वाले इनको ऐसे और सैलून बनवाए अच्छे हो सर। और आप भी काफी डैशिंग नजर आ रहे हो, आपका भी हेयर स्टाइल काफी डैशिंग है, क्या इस तरीके का हेयर स्टाइल यहाँ पे दूसरों के लिए भी आप करना पसंद करोगे? जी अगर मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे इंशाल्लाह। और चलते चलते शुभकामनाएं। बस क्या शुभकामनाएं देंगे सर को ऊपर वाला उनको और सैलून खोलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दोस्त हमारे बड़े भाई उस्मान भाई है, इनका सैलून है और इनके ओपनिंग में हम लोग सब हमारे दोस्त लोग आए हैं मिलजुल के, और हम इनको बधाई देना चाहते हैं। उस्मान भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनको कामयाबी मिले, अल्लाह करे और कामयाब हो। सर कितनी एक्साइटमेंट है, सैलून काफी खूबसूरत नजर आ रहा है कि यहाँ पे आप भी आओ और हेयर कटिंग या फिर शेविंग के पर्पज से, कितनी एक्साइटमेंट है? माशाल्लाह तो बहुत अच्छा है और अच्छा ही काम होगा, और अच्छे के लिए उस्मान भाई खोले हैं, अच्छा ही काम करेंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर? अल्लाह करे तरक्की हो, और सुबह रात का दिन है, अच्छा दिन है और तरक्की हो, मालिक करे कामयाब हो। माशाल्लाह।